जैसा आपको पता है अगस्त में हमारा एक एपिसोड चोरी हो गया था, लेकिन उसी महीने हमारा एक एपिसोड गायब भी हुआ था। पिछले चार साल से पैसे न मिलने की वजह से हमारा एक असिस्टेंट डायरेक्टर एक एपिसोड लेकर गाजियाबाद भागा और वहां उसने वो एपिसोड इंडिया टीवी को बेचने की कोशिश की। तभी जो इनके बारे में इंडिया टीवी को पता चला और वो हमारे पास न्यू ईयर स्पेशल शो बनाने के लिए आए। लेकिन हमारे उस असिस्टेंट को ये नहीं पता था कि उसके पड़ोसी अरविंद केजरीवाल को भी जेल में इंटरेस्ट है। तब अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने की शपथ ली। मुख्यमंत्री बने 49 दिनों तक दिन रात कड़ी मेहनत से स्टिंग ऑपरेशन की और उन्होंने हमारा खोया हुआ एपिसोड ढूंढ के निकाला और हमारा एपिसोड वापस करने के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जन लोकपाल तो एक बहाना था, उनका इरादा हमारा एपिसोड लौटाना था और इसी एपिसोड लौटाने की एवज में उन्होंने हमसे मुकेश अंबानी वीडियो की मांग की। रेस्ट इज हिस्ट्री, अब देखिए वो एपिसोड। लेकिन और बड़ा शुक्रिया मैं उन लोगों का अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे स्टिंग ऑपरेशन किए। हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। हाँ क्या भाई? ओ मेरी स्पीच, थैंक यू थैंक यू। Well, it has been 4 years of capable governance and efficient administration, 4 years of your trust and faith in us, 4 years of serving the nation, taking it past poverty, past corruption, past terrorism, past petrol, past the dollar, past food. Abhe, ye to UPA 2 ki election speech hai bhai. तभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ लिखा है टॉक सॉफ्टली एंड वेयर बिग टर्बन। अरे ले जा ले जा ले जा। आई एम सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, वो हाँ मन्नू जी की स्पीच थी जो अगले साल इलेक्शन के टाइम पे बोलेंगे। हमारे पास कॉपी कैसे आई है? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के स्पीच राइटर्स नहीं है। नहीं, ये स्पीच हमें मिली अपनी लेटेस्ट जय हिंद इन्वेस्टिगेशन स्लैश स्टिंग ऑपरेशन के बाद, जिसके बारे में आपको बाद में बताया। अभी नहीं, पर मोर ऑन दैट लेटर लेटर। क्योंकि पीएम पे स्टिंग ऑपरेशन से ज्यादा बड़ी खबर है कि जय हिंद ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। 4 years ऑन यूट्यूब, देन ऑन टीवी, नाउ ऑन यूट्यूब अगेन। पता नहीं और कौन कौन सी ट्यूब में निकलेंगे हम लोग। ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, जब हम पहले एपिसोड की शूटिंग कर रहे थे। ओहो हो हो, मेरे सर पर बाल हुआ करते थे, आज भी है थोड़े, लेकिन 4 साल पहले मैं खुशी से पेट्रोल खरीदता था। हाँ भर दो, पेट्रोल ही तो है। और अब जय हिंद हैज बीन थ्रू अ रिमार्केबल जर्नी विथ आवर व्यूअर्स, एक्सपोजिंग पॉलिटिकल घोटालास, कॉर्पोरेट घोटालास, सोशल इनजस्टिस एंड ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू आवर यंग पॉपुलेशन। 4 साल कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। हेलो वेलकम टू जय हिंद। पॉप से मुंबई फटी फटी फटी। हेलो वेलकम टू जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद में आपका स्वागत है। वेलकम टू जय हिंद। हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। टुडे वी विल डिस्कस पूनम पांडे। पूनम पांडे से? हाँ, पूनम पांडे की फिल्म। पूनम पांडे ने साड़ी पहन, नहीं ये नहीं हो सकता। पूनम आ रही है भाई, ये नहीं हो सकता। पूनम पांडे ने अपने सारे पाप धो लिए हैं। सो लुक्स लाइक इट्स मास्टरबेशन सीजन ऑल ओवर अगेन। सविता, सविता भाभी से वैलेंटाइन डे की कसर। We are now ready to learn our sex lessons. क्या बात है, कमाल। My dear सविता, मैंने सुना आप सेलिब्रिटी लोगों का इंटरव्यूज लेते हैं। Please put your hands together for नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बताइए क्या हाल है आपका? खाली जेब और फटा हुआ बस्ता है। आज हमारे साथ हैं
संग्राम सिंह और पायल रोहतगी से बातें करना। ओहो, ये तो आप लोगों ने तो पोजीशन चेंज कर ली। ठीक है ना? क्या ठीक है ना? बेस्ट एंकर चैट शो का अवार्ड जा रहा है मिस्टर सुमित राघवन को। वो एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप्स आप फुर्सत में देखते रहिएगा। मीनवाइल कांग्रेस लीडर श्री राज बब्बर साहब ने कहा कि आज भी अगर कोई चाहे तो मुंबई में 12 रुपए में खाना खा सकता है। उनके कमेंट्स सुन के पूरे देश के मन में एक ही सवाल उठा, एंड दिस इज अ टू पार्ट क्वेश्चन। बबर जी, आप आजकल कौन से ड्रग्स ले रहे हैं और क्या ये ड्रग्स भी हमें 12 रुपए में मिल सकते हैं? मोर ऑन दिस ऑन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। यस, LNN विद बरक दत्ता। बजाओ आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज है। UPA asks everyone to live together in the state of denial। जी हाँ, state of denial अब एक ही वो स्टेट है जिसमें इंडिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ रहने को तैयार हो गई हैं। रुपी डिवैल्यू हो रहा है, नो डिनाई। इकोनॉमी खड्डे में जा रही है, नो डिनाई।